आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित नेता बिहार के आदरणीय निखिल कुमार जी, राज्यपाल, पूर्व सांसद दिसंबर में भी आपको बुलाया था यहाँ भवन में और हम लोग ने थोड़ी सी वार्ता की थी। आज अचानक आदरणीय निखिल बाबू, आदरणीय कृपानाथ पाठक जी, आदरणीय नरेंद्र कुमार जी पूर्व विधायक नवादा, आदरणीय राम उदेश बाबू सीनियर आईएएस ऑफिसर और हमारे कांग्रेस के नेता, कई मुद्दे पूरे भारत आपस में जल रहा है, मारपीट का वातावरण है। जो सरकार शांति व्यवस्था के लिए बनाई जाती है, जो सरकार विकास के लिए बनाई जाती है, वो सरकार ही अशांति और विकास को अवरुद्ध करके मारपीट का वातावरण कराए हैं। ऐसे हालात में हम लोग ने इस मौका को तलाश करते हुए आपको हृदय से स्वागत अभिनंदन करने के लिए हम बुलाया है और आदरणीय श्री निखिल कुमार जी और हमारे बड़े नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी और AICC से सम्मानित किए गए हैं, अधिकृत किए गए हैं यहाँ पर कोल्हापुर के दौरा के लिए। इसके बाद ऐसे कार्यक्रम हम लोग हर एक जिला में करने का प्रोग्राम है और तीसरों जिला में हम लोग यहाँ से फिर इसके बाद दूसरे कार्यक्रम में बक्सर को भी छुएंगे, रोहतास को भी छुएंगे। इस दृष्टिकोण से मैं सभी अपने पत्रकार भाइयों को निवेदन और आग्रह किया कि हम लोग के साथ मिलकर 2 मिनट वार्ता करें और इस संदर्भ में आदरणीय निखिल बाबू को हम लोग ने यहाँ बुलाया है, हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपको भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं कि आदरणीय निखिल बाबू के साथ आप साक्षात्कार करें। बहुत मुद्दों पर आपसे बात करनी है। पहला मुद्दा और जो आजकल सबसे ज्वलंत है वो है हमारी आर्थिक मंदी की स्थिति। अंग्रेजी में इसको लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी का स्लो डाउन है। यूपीए की सेकंड सरकार यूपीए 2 जब 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले हमारी GDP की ग्रोथ रेट के बारे में क्लेम किया था कि वो 7.5% है, 7.5%, और जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार का मतलब कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री की सरकार है 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले, उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे और उस समय इतना स्पष्ट तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि $3 trillion की इकोनॉमी हम अचीव करने वाले हैं। तो उन्होंने जब सरकार संभाली मई 2014 में तो हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट था 7.5%, और उम्मीद की जाती थी कि अब वो 7.5 से बढ़ करके उत्तर 8 पहुंचेगी, 8.5 पहुंचेगी। पर आज 2014 के बाद 6 साल बाद वो ग्रोथ रेट 7.5% तो दूर वहाँ पर बरकरार नहीं रही। अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5% हो गई है और 5% का मतलब हुआ कि इन 6 सालों में हमारी ग्रोथ रेट 7.5% से घट करके 5% हुई है, यानी कि 2.5% की गिरावट आई है। जाहिर है अगर इतनी बड़ी गिरावट आई है तो इसका असर तो हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ना ही है। तो जो आर्थिक मंदी की बात मैंने पहले कही थी वो बिल्कुल सही लगती है। हाँ, एक बात और भी है, आंकड़े जो सरकार ने
दिए हैं वो है 5%। लेकिन जानकार अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट उनका कहना है कि ये 5% से भी कम है। कोई 4.5% कहता है, कोई 4% कहता है, और एक साथ तो मेरे ख्याल से 2.5% तक ले गए। लेकिन अब वो 2.5% हो, 4% हो, 4.5% हो, 5% हो, जो ग्रोथ रेट है, जो विकास दर है हिंदुस्तान का, वो दर नहीं है जिसकी हम लोग सब उम्मीद करते थे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी 2014 के चुनाव के पहले चुनावी अभियान में घोषणा करते थे और कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अच्छे दिन का मतलब हम सभी जानते हैं कि आर्थिक मंदी नहीं होगी, आर्थिक विकास होगा, हमारा विकास दर बढ़ेगा। तो साहब, एक तो वो अच्छे दिन नहीं आए, और इस मौजूदा आर्थिक मंदी के कारण हम लोगों का समाज बुरी तरीके से प्रभावित है, और इससे निकलने के लिए हम लोग कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो रास्ता मिल नहीं रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है या कैसे नहीं मिल रहा है, सभी जानते हैं कि आर्थिक स्थिति तब सुधरेगी जब बाजार में, मार्केट में धनराशि आवे। अगर धनराशि नहीं आती है तो कहीं ना कहीं कोई गलती है। धनराशि कहाँ से आएगी? धनराशि आएगी इन्वेस्टमेंट से। दो किस्म की इन्वेस्टमेंट है, एक तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है यानी कि घरेलू हिंदुस्तान की आंतरिक, और दूसरी है विदेशी। तो जो आंतरिक यानी कि जो हमारे खुद के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पैसे लगा सकते हैं, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, जिसकी हमें अपेक्षा है, बल्कि काफ़ी कम है। और जहाँ तक विदेशी पूंजी का निवेश है हम लोग के देश में, सभी जानते हैं कि ये नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा है कि लोग विदेश के लोग ये समझते हैं, सरकारें ये समझती हैं कि इस समय भारतवर्ष की जो कानून की स्थिति है, कानून और व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की, वो कमज़ोर है। स्थिति में पैसे का निवेश करना होशियारी की बात नहीं है। तो यानी कि जो विदेश के लोग हैं वो हमारी आर्थिक स्थिति को कानून और व्यवस्था की स्थिति से जोड़ दिए। अब ये एक ऐसी स्थिति है जिससे कि हम लोगों को जूझना है और निकलना है। लेकिन जब तक हम लोग निकलेंगे नहीं इस स्थिति से, तब तक ये जो आर्थिक मंदी की स्थिति बनी हुई है इसमें कोई सुधार नहीं होने का। सरकार ने बाजार में पैसे लाने का सोचा था, तो सब सोच समझ करके उन्होंने रिजर्व बैंक को कहा कि हमको आप अपने सरप्लस फंड से पैसा दीजिए। अब ये अखबारों में खबर छपी नहीं, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस पर चर्चा हुई है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से, बल्कि रिजर्व बैंक में जो रिजर्व राशि है वो है 7 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए हैं। तो सरकार की तरफ से मांग थी कि इसमें से आप आधी धनराशि हमको दीजिए। ये बात कई सालों से चली आ रही है। जब गवर्नर थे रिजर्व बैंक के रघुराम राजन साहब, उन्होंने मना कर दिया कि हम पैसा नहीं दे सकते, वो चले गए। उसके बाद प्रधानमंत्री के विश्वासपात्र और अच्छे इकोनॉमिस्ट श्री उर्जित पटेल जी बन गए रिजर्व बैंक के गवर्नर। लोग समझते थे कि इनके बनने के बाद जो तालमेल भारत सरकार से होना चाहिए वो होगा,
और उस तालमेल का मतलब ये भी था कि अगर सरकार पैसा मांगे तो वो पैसा रिजर्व बैंक देगा, तो मांगा गया, सरकार ने पैसे मांगे। तो एक बैंक उर्जित पटेल जी ने नहा कहा नन्ना कहा, उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, और उन्होंने अपनी आंतरिक एक मीटिंग बुलाई जिसमें इस बात पर चर्चा हुई। आप लोगों को याद होगा, आप ही लोगों के अखबारों में हेडलाइन छपे थे कि मैराथन मीटिंग ऑफ रिजर्व बैंक डायरेक्टर्स, 8 घंटे की मीटिंग हुई। उस 8 घंटे की मीटिंग के बाद निष्कर्ष क्या निकला हम लोग को आज तक नहीं पता है कि क्या निष्कर्ष निकला, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि उर्जित पटेल इस मीटिंग के 1 या 2 महीने बाद अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चले गए। अनुमान ये लगता है, हम लोग सब लगाते हैं, कि वो इसलिए चले गए क्योंकि सरकार का उनके ऊपर दबिश था कि साहब आप पैसे निकाल के दीजिए, और वो नहीं दे पाते थे, तो उस प्रेशर से बचने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उर्जित पटेल जी चले गए, पैसा नहीं दे पाए वो। तब सरकार ने, जो मौजूदा गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के, जो एक IAS अफसर हैं, उनकी नियुक्ति कर दी बतौर रिजर्व बैंक के गवर्नर। इन्होंने जाने के साथ ये कहा कि साहब हमको पैसे देने हैं सरकार को, आप लोग देखिए कैसे दे सकते हैं। मीटिंग की उन्होंने, और उसके बाद हम लोग सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए दिए। जब ये सरकार आश्वस्त हो गई कि ये पैसे आने वाले हैं, तो इससे एक और लगी हुई बात थी, वो क्या थी, हम लोग को कहा जाता है कि बैंक से लेकर लोन आप स्टार्टअप कीजिए या दूसरे कुछ काम कीजिए, तो लोग बैंक में जब जाते हैं या जाते थे तो उनको पैसे बैंक वाले नहीं देते थे, उनके पास पैसे थे नहीं। तो सरकार को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने, सरकार ने सोचा कि बैंकों को पैसे देने चाहिए, लेकिन पैसे कहाँ से दें, और इसी पैसे के लिए उन्होंने रिजर्व बैंक से दरख्वास्त की थी कि हमको आप पैसा दीजिए। तो जब मौजूदा गवर्नर ने कहा कि हम पैसा देंगे आपको, और फिर हुआ कि साहब 1,76,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तब भारत सरकार ने 3,300 करोड़ रुपए बैंकों को दिए, 3,300 करोड़ रुपए दिए। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपके सामने नहीं भी बैठा हूँ, कहीं भी रहता हूँ, किसी भी तरीके से मुझको रिजर्व बैंक के साथ आंतरिक स्थिति जानने की जरूरत है, कोई संभावना ही नहीं है, और भारत सरकार में आंतरिक स्थिति भी जानने की हम लोगों को कोई संभावना नहीं है। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि वो 3,300 करोड़ रुपए जो बैंकों को दिए गए, उसका क्या हुआ, उसका ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान भर के बैंकों में 3,300 करोड़ रुपये जब बांटे गए, तो जो लोन लेने वाले थे उन्होंने उन पैसों का जितनी जल्दी हो सके निपटारा कर दिया, तो वो पैसे ख़त्म हो गए। लेकिन जब वो पैसे ख़त्म हुए तो जो बैंक के पास लोन लेने जाने वाले हैं या जाते हैं, उनके पास वही स्थिति फिर बहाल हो गई जो पहले थी। इस बीच में 1,76,000 करोड़ रुपये आ गए भारत सरकार के पास। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस धनराशि से वो जो इकोनॉमिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे, रोज दिन हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि कोई न कोई प्रपोजल आएगा, किसी न किसी प्रकार की पहल होगी, लेकिन पिछले कम से कम 6 महीनों से हम लोगों ने ऐसी कोई पहल भारत सरकार की तरफ से नहीं देखी है। और जो बड़े जाने माने अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि साहब इस समय हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति अगर बदली नहीं गई, सुधारी नहीं गई, तो ये क्राइसिस हो जाएगा। तो एक तो आपसे मैं ये बात करने जा रहा था कि साहब इस समय हमारे देश में जो आर्थिक मंदी है, इससे हम लोग को निकलना है, और जो मौजूदा सरकार है इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए, स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रही है, इसकी जानकारी हम लोग में किसी को नहीं है।